बड़ी खबर है बाड़मेर, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुजरात सप्लाई के लिए जा रहे अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। 55 लाख रुपए की पंजाब निर्मित अवैध शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई के दौरान दरअसल पंजाब से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। भुरीमना के रामजी की गोल के पास नाकाबंदी को तोड़कर ये ट्रक निकला। आबकारी टीम ने पीछा किया और ट्रक में रखी हुई 746 कार्टन अवैध शराब जब्त। जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। निरीक्षक रानू सिंह और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध शराब के खिलाफ, क्योंकि निरीक्षक रानू सिंह और उनकी टीम लगातार इसको लेकर के ट्रैक कर रही थी। जो पूरी टीम थी बाड़मेर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिसकी अपडेट आपको दे रही है। गुजरात सप्लाई के लिए जा रहे अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। पूरी जानकारी लेंगे बाड़मेर से सीओगी अशोक जुटके। अशोक, बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी इस पर दीजिए। से जैसे देखिए आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही है। बाड़मेर आबकारी अधिकारी जो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। और देर रात को आबकारी विभाग को ऐसी सूचना मिली थी कि कोई शराब से भरा हुआ एक ट्रक जो है पंजाब की ओर से आया है और गुजरात की तरफ जा रहा है। इस दौरान धोरीमना के आगे जो रामजी का गोल है वहां पर नाकाबंदी भी करवाई थी, लेकिन ट्रक चालक जो है वो नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। इसके बाद आबकारी की टीम ने उसका पीछा किया। लगातार जो निरीक्षक है रानू सिंह लगातार पीछा किया और पीछा करके उस ट्रक को जैसे ट्रक चालक ने ट्रक रोक के कहीं भाग गया, फरार हो गया और आबकारी विभाग ने उस ट्रक को जब्त कर लिया है। उसमें करीब करीब 55 लाख रुपए के पंजाब निर्मित जो शराब है वो पकड़ी गई। और ये सबसे खास बात है कि पिछले 10-12 दिनों में आबकारी विभाग की तीसरी ऐसी कार्यवाही है। दो कार्यवाही बालोतरा की तरफ की और ये रामजी के गोल के पास इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल अशोक, और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई है, लेकिन लगातार जो टीम थी वो ट्रैक कर रही थी इस तरह के लोगों को, क्योंकि जानकारियां थी कि वहां से दबे पांव ये अभी भी जारी है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई अब हुई है और इसको लेकर अब ये पूरा रैकेट है जो सामने आया है। निश्चित रूप से देखिए लगातार जिस प्रकार से आबकारी को सूचना मिल रही है कि इस प्रकार के जो शराब की है वो अवैध तस्करी की जा रही है और इसमें राजस्थान का रास्ता लगातार यही चूज किया जाता है। पंजाब से अगर शराब आती है, हरियाणा से आती है और उसको गुजरात जाने के लिए यही रास्ता होता है। जिस तरीके से शराबबंदी गुजरात में, तो उसके बाद यहाँ अवैध शराब का ज्यादा चलन होता है। तो ऐसे में टीम लगातार सक्रिय और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि कैसे पूरे जो शराब के लगातार चल रहे हैं उनको कैसे बंद किया जाए। जी चलिए अशोक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।